हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखिए, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन बोलता है कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। यहाँ बोल दिया एक स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है। ऑन कहाँ जी, नेचुरल नंबर में। और डिफाइंड किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूज द करेक्ट आंसर। पहला ये बोला है कि इज स्टार बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। यहाँ बोल दिया है इज स्टार कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, सी इज स्टार एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, एंड डी इज स्टार नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ये हम तो हम लोग को चेक करना है कौन ये जो है ऑपरेशन दिया गया है ए स्टार बी, ये कम्यूटेटिविटी चेक करना है और एसोसिएटिविटी। तो सिंस देख सकते हैं यहाँ दिया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहला चेक करते हैं फोर कॉमुटेटिव, तो कॉमुटेटिव का कंडीशन क्या था, ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना जी, बी स्टार ए। तो यदि ए स्टार बी लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड बी स्टार ए लीजिएगा तो जाएगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब। और बी क्यूब प्लस ए क्यूब को तो लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो देखिए दोनों क्या हो गया इक्वल। तो देयरफॉर बोल सकते हैं स्टार इज कॉमुटेटिव, मतलब इस केस में स्टार क्या होता है, कॉमुटेटिव होता है। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का कंडीशन क्या होता था, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। नाउ ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा स्टार सी। अब इन दोनों में अप्रोट करेंगे तो क्या होगा, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब। और अगेन ए स्टार बी स्टार सी यदि लें तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस, पहले हो जाएगा ए और बी एस सी का ऑपरेशन, तो हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब यहाँ लगाइएगा स्टार का ऑपरेशन क्या है, दोनों के क्यूब्स का सम, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। देखिए क्या ये दोनों इक्वल्स हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। देयरफॉर बोल सकते हैं कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार जो है एसोसिएटिव नहीं है। तो देखिए स्टार क्या बोलता है, स्टार जो कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये कहीं दिया हुआ है। बोलता है इज स्टार इज कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, ये तो है, ये ना बोला है ऑप्शन नंबर बी। यही चेक करना था कि इज स्टार कॉमुटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, कॉमुटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए इसको नोट कर लें। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर जो टू है वो हम लोग के लिए कुछ अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग को जानना है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन बोला क्या है, उसके बाद हम लोग इसके टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये बोला है इन द सेट ऑफ इंटीजर
इन द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5. What is the इनवर्स ऑफ 4? तो 4 का इनवर्स क्या होगा? हो जाएगा b में हो जाएगा 3, c में हो जाएगा 5, d में होगा 2. मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या है बोलता है कि इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर के सेट में मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, मतलब 5 का मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो यदि है, मतलब 5 का मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो है, तो वहाँ पे एक ऑपरेशन टेबल बनेगा. तो उस ऑपरेशन टेबल से हमें ये बताना है कि 4 का इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ 4 कितना होगा. अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे नया जो टॉपिक एक आया इसके बारे में चर्चा करेंगे. पहले हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं. यहाँ बोल दिया है कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो आखिर होता क्या है? क्या मॉडुलो का, मॉडुलो वर्ड आपने कभी सुना हुआ है? तो याद कीजिए, जब रिलेशन बता रहे थे तो वहाँ पे मॉडुलो का वर्ड एक आया था, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो था. मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो न था, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो था. हाँ, लेकिन ये दोनों आपस में डिफर हैं, अलग अलग हैं. लेकिन मॉडुलो वर्ड बोल रहे हैं, मॉडुलो वर्ड वहाँ पे हम लोग सुने हुए हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पढ़े हुए थे. तो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो में क्या था कि ए एंड बी, बी टू इंटीजर्स, ए और बी क्या है, कोई दो इंटीजर्स है, एंड एम बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और एम क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. यदि, यदि क्या था जी, इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, यदि a माइनस बी मतलब उन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट डिफरेंस, उन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस यदि पॉजिटिव नंबर m से डिविजिबल है, तो देन बोल सकते हैं, देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m, मोडुलो m. और इसको डिनोट करते थे ऐसे, a कॉन्ग्रुएंट टू b, अरे था मोड कितना जी, एम. ये इसको डिनोट करने का तरीका था. यदि एग्जांपल यहाँ देखे थे, यदि ले लें कॉन्ग्रुएंट मोड क्या है, मॉडुलो 15, 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4, मतलब इन दोनों का डिफरेंस मतलब हो जाएगा 15 माइनस 3 ये हो जाएगा 12, और 12 इज डिविजिबल बाय 4. तो बोल सकते हैं 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4. यदि यहाँ पे मैं ऐसा लिख दें 15 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 4, मतलब क्या इन दोनों का डिफरेंस 4 से डिविजिबल है? डिविजिबल नहीं है. तो यहाँ होगा 15 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 4. तो ये हम लोग मॉडुलो वर्ड जो हम लोग पढ़े हुए थे उसके बारे में चर्चा किए कि वो हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, ये उससे अलग है. अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो में क्या था, दो इंटीजर दिए गए थे, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस जो नंबर से यदि डिविजिबल हो जाए तो क्या होता था जी, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो. तो उसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो क्या है, यदि दो नंबर का, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट लें, दो इंटीजर का प्रोडक्ट, दो इंटीजर उसमें था, दो इंटीजर का डिफरेंस, यहाँ पे दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट यदि तीसरे इंटीजर से डिविजिबल यदि रहे तो उसको बोला जाएगा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो. तो इसको हम लोग पहले डेफिनेशन यदि लिख लें, थोड़ा सा ये नया वो टॉपिक हम लोग के लिए है कि लेट कर लेते हैं एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट एन बी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन. मान लीजिए n क्या है जी, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, और दो कोई नंबर है a और b, a b belongs to Zn, मतलब वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर n का जो सेट है उसमें कहीं बिलोंग करेगा, वेयर
वेयर जेड एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, जो है जेड एन, तो जगह यहाँ से बोल सकते हैं जीरो, जेड एन का में वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट एन माइनस वन। अब यहाँ से एन लिए हैं और एन माइनस वन लिए हैं, यदि मान के चलिए क्या बोले जेड लेट एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है मतलब एन यहाँ जो भी लेंगे वह पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, और ए और बी कोई दो नंबर है जो इन जेड एन से बिलोंग करेगा, मतलब इंटीजर जो एन जो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा, तब जेड एन क्या होना चाहिए, जेड एन इज इक्वल टू जीरो से लेकर एन माइनस वन तक। मतलब कहने का मतलब है यदि आप फाइव को नंबर है, फाइव को यदि कोई नंबर से आप डिवाइड करोगे, फाइव को कोई नंबर से यदि डिवाइड करोगे तो फाइव को कोई नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, तो यदि रिमाइंडर हो सकता है इस केस में क्या बचे, जीरो बचे, वन बचे, टू बचे, थ्री बचे और फोर बचे, क्योंकि रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर पाँच तो बचेगा नहीं, क्योंकि यदि इसको पाँच पाँच है इसको यदि लोग कोई नंबर से डिवाइड करेंगे, तो कोई नंबर यदि है उसको हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर बचने का चांस कितना कितना है, तो जीरो वन टू थ्री एंड फोर, क्योंकि रिमाइंडर फाइव तो बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर फाइव नहीं बचेगा। जैसे मान के चलिए यदि हम 19 को हम फाइव से डिवाइड करें तो 19 को फाइव से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, थ्री जगह 15, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, फोर। मतलब कोई नंबर को यदि हम फाइव से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर को यदि हम फाइव से डिवाइड करें, एग्जाम्पल पाँच कर ले रहे हैं, फाइव से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना कितना बचना चाहिए, तो रिमाइंडर बचेगा जीरो वन टू थ्री एंड फोर। यदि कोई नंबर को हम सिक्स से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। यदि कोई नंबर हम सेवन से डिवाइड करें तो उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा जी, वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये चीज। तो वही जी, कोई नंबर यदि कितना है एन है, कोई नंबर यदि कितना है जी एन, कोई नंबर यदि एन कुछ कोई भी नंबर को यदि हम एन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, जीरो वन टू थ्री से लेकर कहाँ तक, एन माइनस वन तक। फाइव लिए तो रिमाइंडर कहाँ तक गया, फोर तक। सिक्स लिए तो रिमाइंडर गया फाइव तक। सेवन लिए तो रिमाइंडर गया सिक्स तक। यदि एन लेंगे तो रिमाइंडर कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वन तक। वही लिखे हैं जीरो वन टू थ्री से कहाँ तक, एन माइनस वन तक। अब इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, तो ये बोलता है ए ए और एक्स एन बी, यहाँ पे एक्स नहीं है मल्टीप्लीकेशन है, एक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन मोडलो एन, ए और बी दो नंबर है, अरे मल्टीप्लाई का साइन है, ये एक्स नहीं है मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लीकेशन मोडलो कितना जी, एन। तो क्या हो जाएगा यह, मतलब लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, क्या चीज जी, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, मतलब सबसे छोटा और नॉन नेगेटिव क्या चीज रिमाइंडर, वेयर ए बी इज डिविजिबल बाय, वेयर ए इंटू बी इज डिविजिबल बाय कितना, एन। मतलब ए दो नंबर है, इन दोनों नंबर ए बी को मल्टीप्लाई करें और एन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो क्या आना चाहिए, सबसे छोटा जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो उसको क्या कहलाएगा जी, मल्टीप्लीकेशन मोडलो कहलाएगा, मल्टीप्लीकेशन मोडलो एन। अभी एन से ले रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन मोडलो एन, फाइव लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन मोडलो फाइव, टेन लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन मोडलो टेन, और मल्टीप्लीकेशन मोडलो टेन लेंगे तो उसको डिनोट करेंगे कितना, मल्टीप्लाई ऑफ टेन। फाइव लेंगे तो जगह मल्टीप्लाई नीचे कितना जी, फाइव। तो ये कुछ तरीके थे इसको जो है क्या चीज़ें डिनोट करने का। यदि एक हम लोग एग्जाम्पल लें, एक यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग दो तीन तरीके से चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या क्या है। पहला इसमें एक हम लोग एग्जाम्पल ले लें, पहले यहाँ तक नोट कर लें, एस कोई सेट है जिसमें ले लेते हैं लेट, एस कोई सेट है दो चार छः आठ, ये चार एलिमेंट हैं, हम लोग ले लेंगे टू फोर सिक्स एट। अब यहाँ हम लोग
मोडुलो 10 लेने, मोडुलो मोडुलो कितना जी 10, एक्स कोई सेट है और मोडुलो हम लोग को क्या निकालना है 10, मोडुलो कितना 10, तो एक्स 10 यहाँ टेबल जब बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखाएगा एक्स 10, यहाँ शायद आपको पूरा ना दिखे, तो इसको पहले हम टेबल को दूसरे साइड में बनाते हैं। इस टेबल को हम लोग इस साइड में बनाएं तो कितना है जी 4 एलिमेंट, ये कितना होगा एक्स 10, क्योंकि मॉडुलो 10 का निकालना है। एलिमेंट कितना कितना है देखिए, 2, 4, 6, 8, फिर हो जाएगा 2, 4, 6, 8। अब हम लोग को कैसे इस टेबल को ऑपरेशन टेबल को भरेंगे, यहाँ पे लिखा मल्टीप्लिकेशन 10 मतलब मॉडुलो कितना जी 10, और डेफिनेशन क्या था कि ए बी इज डिविजिबल बाय एन, मतलब इन दोनों ये जो इसको इसको साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x 10 2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 10 से डिविजिबल होगा, तो उसमें डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे भरेंगे, वो जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तब ध्यान से देखें, 2 और 2 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 4, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 और 2 होगा 4, और 4 को 10 से डिवाइड होगा क्या, डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स लेंगे हो जाएगा 0, तो रिमाइंडर कितना हो गया 4, तो यहाँ पे जो होगा कितना होगा 4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 8, 8 को 10 से डिवाइड करें डिवाइड तो होगा नहीं, 0 टाइम्स ले लेते हैं 0, तो रिमाइंडर कितना हो गया जी 8। देखिए 2 को 6 से 2 और 6 का जो मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 10 निकालें तो 2 और 6 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 12, और 12 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 2। 2 और 8 को मल्टीप्लाई करें मतलब 2 और 8 का मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 10 मतलब 2 एंड 8 हो जाएगा 16, को 10 से डिवाइड करें हो जाएगा 6। 8 4 एंड 2 8 मतलब हो जाएगा 4 इंटू 2 8 डिविजिबल बाय 10, तो कितना हो जाएगा जी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8। 4 4 जा 16 हो जाएगा 6, 6 4 जा 24 ये हो जाएगा 4, 6 4 8 जा 32 ये हो जाएगा 2, 6 2 जा 12 कितना होगा 2, क्योंकि 6 2 जा 12 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, 6 4 जा 24 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, 6 6 जा 36 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 6, 6 8 जा 48 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 8, 6 8 2 जा 16 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 6, 8 4 जा 32 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 2, 8 6 जा 48 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 8, 8 8 जा 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 8 जा 64 है ना, 8 8 जा 64 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए इस तरह से हम लोग को एक टेबल जो है ऑपरेशन टेबल हम लोगों ने क्या किया, फिलअप कर लिया, ऑपरेशन टेबल हम लोग का जो भरना था वो हम लोग को फिलअप कर लिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें यदि मान के चलिए हमको चेक करना है 2 3 चीज़, एक टेबल कैसे फिलअप हुआ पता चल जाना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 10 का निकाले हैं तो इसे लिखें मल्टीप्लाई 10, एलिमेंट 2 4 6 8 था तो यहाँ भी लिखें 2 4 6 8, इधर भी लिखें 2 4 6 8, और डेफिनेशन था इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 10 से डिवाइड, डिवाइड करने के बाद जो नॉन जीरो नेगेटिव होगा वो वहाँ भरेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा कितना 4, वही लिखें 4, 2 4 जा 8, 8 10 से डिविजिबल नहीं होगा, 0 बार लेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 8, उसी प्रकार 2 6 जा 12 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 2, 2 8 जा 16 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा जी 6। तो उस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल फिलअप किया है। अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है 2 3 चीज़, पहला हम चेक करना चाह रहे हैं कम्यूटेटिव,
कम्यूटेटिव चेक करने जा रहे हैं, तो जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है थोड़ा सा इसको हम लोग सर्कल कर लें, मतलब इसको डार्क इधर किनारे कर लें। अब मेन डायगोनल के देखिए ऊपर, इधर देखिए यहाँ एलिमेंट कितना है 8, 2, 6, इसके थ्रू आउट यहाँ देखें कॉलम वर्टिकल में कितना है 8, 2, 6, यदि यहाँ देखें हॉरिजॉन्टली कितना है 4, 2, वर्टिकली देखें 4, 2, यहाँ देखें 8, यहाँ देखें 8, तो बोल सकते हैं ये क्या है जी, कम्यूटेटिव है। यदि इस तरह से टेबल को चेक करके हैं पता करना है यदि कम्यूटेटिव है या नहीं, तो सिंपल क्या कर देंगे, मेन डायगोनल के देखना है इधर जो एलिमेंट है सो, इधर जो एलिमेंट सेम है क्या, यहाँ जो एलिमेंट है सो वही एलिमेंट यही है क्या, यहाँ जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ है क्या, क्या यदि इस तरह से सेम रहे तब बोलेंगे क्या है वह कम्यूटेटिव है। दूसरा दूसरा हम लोग को चेक करना है आइडेंटिटी। दूसरा क्या चेक करना है जी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी चेक करने का तरीका, आइडेंटिटी क्या होगा देखें, दो तरीका है। जैसे मान के देखें यहाँ पे कितना है जी 2, इधर 2, 4, 6, 8, तो देखें इधर इस कॉलम में कहीं क्या 2, 4, 6, 8 है आया है, इधर है क्या नहीं है, यहाँ है क्या नहीं है, 2, 4, 6, 8 देखिए यहाँ पे आया है। तो आखिर ये 2, 4, 6, 8 सब में किसको ऑपरेट करने पर आया है जी, 6 को ऑपरेट करने पर आया है। या तो इधर से देख लें 2, 4, 6, 8 है, तो देखिए रो में क्या 2, 4, 6, 8 है कहीं पे, तो देखिए रो में है 2, 4, 6, 8 यहाँ पे है। तो आखिर ये 2, 4, 6, 8 किसको ऑपरेट करने पर आया है, तो ये 6 को ऑपरेट करने पर आया है। इसका मतलब क्या है जी, को एलिमेंट को यदि दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करें और क्या मिल जाए, सेम वही एलिमेंट मिल जाए तो क्या होता है, जो एलिमेंट एक है तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। मतलब बोलेंगे यदि इसको हम को एलिमेंट से ऑपरेट करें सेम वही आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। तो देखिए 2, 4, 6, 8 है, 2, 4, 6, 8 आ गया है, किसको ऑपरेट करने पर, 6 को ऑपरेट करने पर, तो वेयर 6 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8 है, तो यहाँ इधर हमको देखना है 2, 4, 6, 8 किधर है, देखिए 2, 4, 6, 8 यहाँ पे है, तो ये किसको ऑपरेट करने पर आया, 6 पे, तो ये 6 इसका क्या होगा जी, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा 6। अब तीसरा इसी में यदि हम लोग को चेक करना है इन्वर्स, क्या चेक करना है जी, इन्वर्स। अब इन्वर्स चेक करना है, तो इन्वर्स चेक करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, जो आइडेंटिटी कितना था 6, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है थोड़ा सा इसको डार्क कर दें, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी मतलब 6 है इसको क्या कर दें, डार्क कर दे रहे 6, और कहाँ है देखिए यहाँ पे है 6। अब हम लोग को निकाल, यदि मान के चलिए और हम लोग को निकालना है क्या जी, इन्वर्स। तो इन्वर्स हम लोग 2 का, 4 का, 6, 8 का किसी का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए अभी इन्वर्स निकालना है 8 का, किसका जी, 8 का। तो 8 का इन्वर्स क्या था कि यदि मान के चलिए कोई ए है, कोई एलिमेंट बी है, इसको ऑपरेट करने पर ये क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। मतलब ए जो है 8 है, और किसको ऑपरेट करने पर 6 मेरा क्या, आइडेंटिटी। 8 को किससे ऑपरेट किए कि 6 आया, तो इस केस में 8 को 2 से ऑपरेट किए तो 6 आया, मतलब 8*6, मतलब 8 इसको बोल सकते हैं 8x10 6 इज इक्वल टू कितना है 6, सॉरी 8 मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10 2, मतलब 8 को 2 से ऑपरेट किए 6 आया, मतलब क्या मिल गया, आइडेंटिटी। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि 8 का इन्वर्स कितना हो जाएगा 2, 8 का इन्वर्स हो जाएगा 2। यदि मान के चले 6 में, यहाँ देखें ये 6 का, तो देखें 6 को किससे ऑपरेट किए हैं कि आइडेंटिटी ये 6 आया, उसके मतलब 8 है तो यहाँ पे देखना आइडेंटिटी यहाँ पे है, 6 है इसके लिए आइडेंटिटी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये कब आया है जी, किसको ऑपरेट करने पर, देखो 6 को ऑपरेट किए हैं 6, तो क्या हो जाएगा जी, 6 का इन्वर्स कितना हो गया 6। यदि इसमें देखें 4 को, तो 4 के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या ए वाला है, तो इसको जो है आखिर ए 6 कब आया है, 4 को किसके साथ ऑपरेट किए 6 आया है, तो 4 को 4 के साथ ऑपरेट किए हैं, तो 4 इन्वर्स इज इक्वल टू 4, 4 को 4 से ऑपरेट करें हो जाएगा 6। अब देखिए 2, तो 2 को किसके साथ ऑपरेट किए हैं कि 6 आया है, तो 2 को 8 के साथ ऑपरेट किए हैं, तो हो जाएगा 2 इन्वर्स इज इक्वल टू 8। तो ये हम लोगों को क्या तरीका हो गया, आइडेंटिटी निकालने का। एक दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो आया है ये कौन से रो में है जी, देखिए तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, चौथा रो पहला कॉलम, चौथा रो पहला कॉलम,
मतलब 4 बाय 1 बोल सकते हैं, चौथा रो पहला कॉलम, तब उसका उल्टा क्या होगा 1 बाय 4, तो 1 बाय 4 मतलब पहला रो चौथा कॉलम क्या है, तो पहला रो चौथा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम ये है, इस किससे ऑपरेट किए पर आना आया है 8, तो बोल सकते हैं उसका जो पहला रो चौथा कॉलम तो जगह कितना उसका हो जाएगा आइडेंटिटी कितना, उसके अनुसार देखना मतलब ऑर्डर के अनुसार से। दूसरा कहने का मतलब सिंपल यही देखें कि 8 है तो 8 के सामने जो आइडेंटिटी जो है 6, तो 6 किसको ऑपरेट करने पर आया है 2 को, तो 8 का इन्वर्स हो जाएगा 2। 6 है तो 6 के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 6 है, तो 6 ए 6 किसको ऑपरेट करने पर आया है 6 को ऑपरेट करने पर आया है, और 6 का इन्वर्स हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम लोग कोई मल्टीप्लीकेशन मॉडलो दिया गया है उससे हम लोग कम्यूटेटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए ये हो गया एक मल्टीप्लीकेशन मॉडलो होता क्या था, अब हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अनुसार से काम करना है। चलिए इसको नोट कर लें, हम लोग को जो क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन में हम लोग को जो है ये तो हम लोग सारा कुछ उस मल्टीप्लीकेशन मॉडलो निकालने का समझाने का तरीका था। हम लोग मेन क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 5, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 5, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो में कितना है 5, मतलब 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करना, अभी इस क्वेश्चन में एग्जांपल लिए थे वहाँ पे सेट डिफाइंड था 2, 4, 6, 8 ही लेना था, यहाँ पे डिफाइंड है क्या चीज़ जी, इंटीजर्स होना चाहिए सेट, लेकिन मॉडलो कितना है 5, तो 5 मतलब हमें निकालना है x5, तो x5 लेना है, तो हम लोग को रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या मिल सकता है जी, एक मिल सकता है 0, मिल सकता है 1, 2, 3 एंड 4, क्या उसके अलावा भी रिमाइंडर मिलेगा क्या, नहीं, यहाँ भी 0, 1, 2, 3, 4। फटाफट हम लोग टेबल तैयार करते हैं क्योंकि यही टेबल पर पूरा खेल है। अब क्या करना है, इसको इसको 0 और 0 से मल्टीप्लीकेशन मॉडलो मतलब क्या चाहिए जी, ए बी बाय 5, मतलब 0 को 0 से ऑपरेट करें तो हो जाएगा 0, 0 इंटू 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0, 0 इंटू 1, 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 0 इंटू 2, 0 को 0, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 0 इंटू 3, 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 0 इंटू 4, 0 और 0 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। सेम तरीके से बोल सकते हैं 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0, 1 इंटू 1 तो जाएगा 1 और 1 को 5 से डिवाइड करें, डिवाइड तो होगा नहीं 0 टाइम्स लेंगे 0 तो रिमाइंडर होगा 1, 1 को 2 के साथ निकालें तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 2 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2, 1 इंटू 3, 3 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 3, 1 इंटू 4, 4 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 4, 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0, 2 इंटू 1, 2 को 5 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 2, 2 जा 4, 4 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 4, 2 3 जा 6, 6 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 1, 2 4 जा 8, 8 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 3, 3 इंटू 0, 0 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 0, 3 इंटू 1, 3 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 3, 3 2 जा 6, 6 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 1, 3 3 जा 9, 9 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर होगा 4, 3 4 जा 12, 12 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 2, 4 इंटू 0, 0 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 0, 4 इंटू 1, 4 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 4, 4 2 जा 8, 8 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 3, 4 3 जा 12, 12 को 5 से डिवाइड करें, 12 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 2, 4 4 जा 16, 16 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 1। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या बन गया जी, मल्टीप्लीकेशन टेबल, मल्टीप्लीकेशन टेबल जो था किसके लिए, जो 5 के लिए, वो हम लोग का हो गया तैयार। अब हम लोग को निकालना क्या है जी, तो निकालना है 4 का इन्वर्स, तो 4 का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को चेक करना है आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी 2 1 0 1 2 3 4 देखना है, यदि इधर से देखें, इधर देखना है 0 1 2 3 4 कहाँ पे है, तो कहाँ है 0 1 2 3 4 जी, 0 1 2 3 4 देखिए इसमें,
तो आखिर ये सब सारा चीज़ किसके ऑपरेट करने पर आया है, तो वन के ऑपरेट करने पर आया है। याद देखें 0 1 2 3 4 इधर से है, तो इधर में मैच करें कि कहाँ 0 1 2 3 4 है, तो ये 0 1 2 3 4 यहाँ पे है। तो ये सब किसको ऑपरेट करने पर आया है, वन को ऑपरेट करने पर आया है। मतलब आइडेंटिटी इस केस में आइडेंटिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, वन। तो जहाँ जहाँ आइडेंटिटी है उसको क्या करते हैं, वन है उसको क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रख देते हैं। अब हम लोग को क्या चेक करना है, इन्वर्स। इन्वर्स किसका जी, फोर का। तो फोर का इन्वर्स बोलता है, मतलब यहाँ पे फोर है इसका इन्वर्स है ये, इसके सामने आइडेंटिटी कहाँ है जी, वन है। तो ये वन, फोर का आइडेंटिटी यहाँ पे वन है, तो आखिर आइडेंटिटी किसको ऑपरेट करने पर आया है, फोर को ऑपरेट करने पर आया है। तो बोल सकते हैं फोर इन्वर्स इज इक्वल टू फोर, मतलब हो जाएगा इन्वर्स ऑफ फोर इज इक्वल टू फोर। आंसर में देखिए, आंसर में फोर होना चाहिए, फोर आंसर में ये दिया गया है इन्वर्स फोर। यदि इसी केस में थ्री का इन्वर्स बोलता, तो थ्री का इन्वर्स इसके सामने इन्वर्स कौन सा जी, आइडेंटिटी थ्री वन, तो किसको ऑपरेट करने पर आया है, टू। तो बोल सकते हैं तीन का इन्वर्स हो गया दो। दो का इन्वर्स की बात करें, दो का इन्वर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीन। दो का इन्वर्स तीन। एक का इन्वर्स देखें तो एक का इन्वर्स कितना हो जाएगा जी, वन। और सिंपल सी बात, जब मल्टीप्लीकेशन की बात है, मल्टीप्लीकेशन मोड़ लो, तो मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज इन्वर्टिबल आइडेंटिटी कितना होता है, वन ही होता है। आखिर फाइव को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव होगा तो वन से। टेन को सिक्स को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स आएगा वन। मतलब इस केस में मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट वन ही आता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। चलिए इसको नोट कर लें, हम लोग देखेंगे आगे जो बचे हुए जो क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।